कार्यक्रम में सब पहले आप सब रो बहुत बहुत स्वागत। पधारो मारे देश। इतिहास, धर्म और संस्कृति रो संगम होने के कारण खास तौर पर भारत रा सिरमौर सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती री दरगाह री वजह से अजमेर देश और दुनिया रा दूजा मुल्का माए अनूठी पहचान रखे। देश और दुनिया माए ख्वाजा री दरगाह री इतनी मानता है कि ख्वाजा री दरगाह शरीफ माथे अकीदत रा फूल चढ़ावा मक्का मदीना रे पाछे सैसुन बत्रा यात्री जियारत कर अठे आवे। अठे आवण वाला लोग देश धर्म और जाति जनरा भेदभाव मिटार हरेक साल आवे। ख्वाजा रो जन्म ईरान रा सिजस्थान प्रांत माए संजर नाम री ठोर परा हिजरी सन 530 माए पिता गयासुद्दीन चिश्ती और माता बीबी मनहूर रे घरा हुयो। बाबरपणा माए ही माँ बाप रो सायो उर्जावन सु वे अकेला और गुमसुम रहवण लाग्या। इन्हीं बीच एक दरवेश हजरत इब्राहिम कदौजी सु वणारी मुलाकात हुई और इनसु वणारी जिंदगी ही बदल गई। वे गरीबारा मसीहा बन अध्यात्म रा गेला परा चाल पड़या। सन 1119 माए ख्वाजा गजनी रे सागे शहाबुद्दीन गोरी रे साथे हिंदुस्तान आया और अजमेर माए बसर गरीबा और दीन दुखियारी सेवा करण लाख्या और गरीब नवाज यानी गरीबारा पोषक और हितेशी री पदवी पाई। वणारो 97 साल री उम्र माए हिजरी सन 627 माए इंतकाल वे गयो। अठे रजबरी पहली और छठी तारीख ने हर बरस दुनिया माए ख्यात नाम मेलो भरे। जीरा है जीरा तो जीरा ले और काम एक और है तारीख गिन। क्या हुआ? अरे वो रत्ना चाची ने ना प्रेगनेंसी से बचने के उपाय बताए थे। रत्ना चाची उनके अपने पांच हैं, वो किसी को क्या बताएंगी। हर चाची मामी मौसी डॉक्टर नहीं होती। प्रेगनेंसी से बचने के लिए आज ही अपने डॉक्टर से फ्रीडम 5 की जानकारी ले। फ्रीडम 5, 5 साल तक प्रेगनेंसी से आजादी। ये क्या? मेरे सारे बाल झड़ गए। टीना कितना समझाया कि साधारण हेयर डाय में हानिकारक केमिकल्स होते हैं। कहा था ना स्टे नेचुरल। सुपर वैस्मॉल 33 केश काला में है अयूर प्राश का पोषण जो बालों को बनाए जड़ों से मजबूत और रखे कुदरती काले। सुरक्षित काले मेरे बाल, वैस्मॉल ने किया कमाल। रहो नेचुरल। जीरा है जीरा तो जीरा ले और काम एक और है तारीख गिन। क्या हुआ? अरे वो रत्ना चाची ने ना प्रेगनेंसी से बचने के उपाय बताए थे। रत्ना चाची उनके अपने पांच हैं, वो किसी को क्या बताएंगी। हर चाची मामी मौसी डॉक्टर नहीं होती। प्रेगनेंसी से बचने के लिए आज ही अपने डॉक्टर से फ्रीडम 5 की जानकारी ले। फ्रीडम 5, 5 साल तक प्रेगनेंसी से आजादी। अबे आपा बात करला बात बंतल माए सप्ताह भर रे खास खास घटनाओं रे समारोह रे और कार्यक्रम रे। लाड़ले शुक्रवार ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक दिन री यात्रा माथे जोधपुर पधारिया। वे इन दिन कई कार्यक्रम माए हिस्सो लिनो। मुख्यमंत्री राजकीय सैटेलाइट अस्पताल माए ट्रोमा सेंटर और आपातकालीन सेवा मा सारू निर्माण काम रो शिलान्यास कीन्यो। इन सफा का नाम आए ट्रोमा सेंटर बन जावन परा सड़क और दूजा हादसा माए घायला ने तत्काल उपचार मिल सकेलो। इन सारू करीब 2 करोड़ रुपया री रकम स्वीकृत करी गई है। गहलोत जोधपुर विकास प्राधिकरण कानीसू कराया जा रिया मान सागर पार्क रा विकास कामारो भी शिलान्यास कीनो। वे नरेगा योजना री प्रदर्शनी रो अवलोकन भी कीनो। मुख्यमंत्री आपरा व्यस्त कार्यक्रम रे दौरान लोगा रा अभाव अभियोग भी सुनिया। शनि जयंती रे मौके जयपुर माए शनिश्चर जी रा मंदिरा माए विशेष कार्यक्रम हुआ। इन बार शनि जयंती शनिवार ने आवण की वजह से इन रो खासो महत्व रहो। शनि देव रो तेलाभिषेक और पंचामृत अभिषेक करे गयो। लोग दान पुण्य कर पुण्य कमायो। कला साहित्य और संस्कृति महकमा और श्रुति मंडल कानीसू साझा माए जयपुर रा जवाहर कला केंद्र में 2 दिनारा संगीत समारोह रो आयोजन करियो गयो। समापन जलसा माए गुलाबी नगर रा कलाकार अब्दुल रशीद खां संगीत प्रेमिया ने पश्चिमी वाद्य सैक्सोफोन माथे अनूठी धुनारो परिचय करायो। वे शास्त्रीय राग हेमावती और संगीतमय धुना बिखेर श्रोतावारो मन मोहलिनो। Thank you.
हेयर डाई में हानिकारक केमिकल्स होते हैं। कहा था ना, स्टे नेचुरल। सुपर वैस्मॉल 33 केश काला में है अयूर प्राश का पोषण, जो बालों को बनाए जड़ों से मजबूत और रखे कुदरती काले, सुरक्षित काले मेरे बाल। वैस्मॉल ने किया कमाल, रहो नेचुरल। जीरा है जीरा, तो जीरा ले और काम। एक और है, तारीख गिन। हाँ। क्या हुआ? अरे वो रत्ना चाची ने ना प्रेगनेंसी से बचने के उपाय बताए थे। रत्ना चाची, उनके अपने पांच हैं, वो किसी को क्या बताएंगी? हर चाची मामी मौसी डॉक्टर नहीं होती। प्रेगनेंसी से बचने के लिए आज ही अपने डॉक्टर से फ्रीडम 5 की जानकारी ले। फ्रीडम 5, 5 साल तक प्रेगनेंसी से आजादी। जोधपुर माए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरीरा डेजर्ट बॉटनिकल गार्डन माए ग्वार पाठारी खेती करीजार इन माथे गैरो शोध काम करियो जा रही है। काजरीरी प्रयोगशाला माए ग्वार पाठारा न्यारा न्यारा उत्पाद भी तैयार करया जा रिया है। ग्वार पाठारी विशेषतावा और इनरी गुणवत्ता रे बाबत जानन सारू में इन क्षेत्र माए काम कर रिया उद्यमी तुलसी भाटिया सु भेंट कीनी। एलोवेरा का जो हम प्रमुख उत्पाद है वो है एलोवेरा का जूस। उसको अलग, ये जो जूस है, हम एलोवेरा के जितने भी उत्पाद हैं, आयुर्वेदिक लाइसेंस लिया है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के रूप में बनाते हैं। जूस उसका प्रमुख उत्पाद है। जूस को भी हम ऐसा एक नेचुरल प्लेन जूस भी बनाते हैं और इसको स्वाद में थोड़ा ठीक करने के लिए उसमें नेचुरल ऑरेंज का, संतरे का, स्ट्रॉबेरी का उसमें फ्लेवर पाउडर मिला के वो भी बनाते हैं, ताकि इसको बच्चे और युवा पीढ़ी भी उसको आसानी से पी सके। ग्वार पाठा से जो बाकी अन्य उत्पाद है वो है ग्वार पाठा के लिए स्किन की जेल, त्वचा की रक्षा के लिए, बालों के लिए शैम्पू, हेयर जेल, टूथ पाउडर, मंजन, बाम और साबुन। और ऐसे ही अन्य उत्पाद जो ब्यूटी क्लिनिक, जो कि ब्यूटी पार्लर वगैरह में या ब्यूटी क्लिनिक में जो त्वचा के ट्रीटमेंट के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उसके इलाज के लिए, उसके लिए हमने एक स्क्रब, कुकुम्बर और फेस जेल, फेस पैक और ऐसे कई उत्पाद भी बनाए हैं ग्वार पाठा से। इन बाबत पूछा जावन पर कि वे इन उद्योग सारू ग्वार पाठा नहीं क्यों चुने है वे बतायो। एलोवेरा जिसे कि हिंदी में ग्वार पाठा और संस्कृत में घृत कुमारी कहा जाता है और इसके अलग अलग प्रांत में के अलग अलग नामों से एलोवेरा को जाना जाता है। हम जैसा कि सर्वविदित है कि एलोवेरा ग्वार पाठा प्राचीन काल से हमारे पूर्वज इसको अपने दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग रूपों में इसका उपयोग होता है। चोट लगने पे गूदा निकाल के इसका लगा दें तो उपयोगी है। खाने में इसको सर्दियों के अंदर लड्डू बनाते हैं जो सर्दी के उसमें खाया जाता है। अगर अब इसका अब चाहते इसका जो व्यवसायीकरण हुआ है, अब ये आम जनता का एक प्रोडक्ट धीरे धीरे बनता जा रहा है। एलोवेरा काफी लोगों की नॉलेज में आ चुका, धीरे धीरे लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं अपने दिनचर्या के अंदर। एलोवेरा का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि एलोवेरा हमारा इम्यून सिस्टम, जो हमारे अंदर रोग से लड़ने की क्षमता होती है, उसको बना के रखता है। और एलोवेरा जो पाचन तंत्र हमारा, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको ठीक रखता है। अगर हमारा पाचन तंत्र और हमारे रोग से लड़ने की क्षमता बनी रहे तो कई बीमारी से हम स्वतः ही अपने आप ही बचा सकते हैं अपने आप को। एलोवेरा को अगर आज के युग की अगर संजीवनी बूटी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। एलोवेरा में इतने सारे गुण हैं, ग्वार पाठा बालों के लिए ग्वार पाठा, त्वचा के लिए ग्वार पाठा, ब्लड प्रेशर के लिए ग्वार पाठा, शुगर के लिए ग्वार पाठा, लीवर के लिए, हर चीज के लिए। हमारे अंदर के जो सिस्टम है, लगभग ये मान लीजिए कि जितने हमारे अंदर का जो सिस्टम है, अंदर की जो हमारी मशीन है, पूरे की केयर ग्वार पाठा करता है। तो हमें नेचर ने, प्रकृति ने एक ऐसे ग्वार पाठा के रूप में, एलोवेरा के रूप में एक ऐसा पौधा दिया है, ऐसा औषधीय पौधा दिया जो एक वरदान से कम नहीं है।